केवल 10 मिनट का सूर्य नमस्कार अगर गहरे श्वसन के साथ करते हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ और सक्रिय रहेंगे। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम ये सब बात अच्छी तरह जानते हैं, इस धरती पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है और सूर्य नमस्कार के माध्यम से हम सूर्य का आभार भी प्रकट करते हैं और सूर्य जैसी ऊर्जा अपने अंदर पैदा भी करते हैं। अगर आप 10 मिनट भी करते हैं, देखिए आप कितनी भी धीमी गति से करेंगे 10 मिनट के लिए, तो एक मिनट में 2 से 3 बार तो आसानी से होता है। हाँ, लेकिन जो लोग कमजोर हैं, शायद बीमार हैं, वो तो नहीं कर सकते, तो उनके लिए है भी नहीं, कोई बात नहीं, पर जितना बन रहा है उतना तो जरूर करें। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, सूर्य नमस्कार एक तो आपका वजन नहीं बढ़ने देगा, दूसरे इसमें लंग्स आपका जो ये कार्डियो जैसी मतलब जो एक्सरसाइज है वो सारी सूर्य नमस्कार में है। आज जो हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, लोग खड़े खड़े गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है, ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है, अरे भाई आप सूर्य नमस्कार प्रतिदिन कर लो, आप कुछ और नहीं कर सकते, तो 10 मिनट तो अपने हेल्थ के लिए दे सकते हैं ना। आज डॉक्टर भी बोलते हैं योग करिए योग करिए, अरे ठीक है आपसे आसन कड़े कड़े नहीं होते, सूर्य नमस्कार करने में बहुत सरल है और ये चीज इतनी अच्छी है कि अपने बच्चों को कम उम्र में ही सिखाएं, ताकि वो 10 मिनट तो कितने भी व्यस्त हैं पढ़ाई में 10 मिनट वो भी अपने ऊपर दे सकते हैं। एक तो इससे उनकी बुद्धि तेज होगी, लंबाई अच्छी होगी, दूसरे उनको किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से भी वो हमेशा बचे रहेंगे क्योंकि इससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो मैं आज आपको सूर्य नमस्कार 2 बार करके दिखाऊंगी गहरे श्वसन के साथ, तो कहाँ श्वास लेना है मैं अपना वीडियो भी डाल दूंगी इसके अंदर, तो जिसको अभी नहीं समझ में आ रहा है उस वीडियो को देख के आप समझ जाएंगे कि कहाँ श्वास लेना है कहाँ छोड़ना है। कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ सूर्य नमस्कार कर लीजिए तो आप खुद बोलेंगे कि हाँ हम पहले की बजाय बहुत एक्टिव और एनर्जेटिक हैं। आपने देखा मैं बिना हाथ लगाए अपनी जगह पर उठ के खड़ी हो गई, आपको पता है मैं भी 70 साल की हूँ सिर्फ योग और सूर्य नमस्कार के बल पर, तो आप भी तो हो सकते हैं, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सूर्य नमस्कार जरूर करें। तो चलिए मैं सबसे पहले करके बताती हूँ, जिधर सूर्य उग रहा है उधर मुंह करना है और सबसे पहले जो अभ्यास है नमस्कार आसन से शुरू करते हैं। यहाँ पर हम नमस्कार मुद्रा में हैं, हमारे दोनों पांव देखिए मिले हुए हैं, हाथ जोड़ा हुआ है, श्वास भरते हुए हम हाथ को ऊपर उठा रहे हैं, पूरी श्वास भरेंगे और अब आराम से पूरी ब्रीद आउट करते हुए मैं नीचे की ओर झुक रही हूं, कमर दर्द वाले पांव फैला के इस पोज को करेंगे, पूरी सांस बाहर है और अब श्वास भरते हुए ये देखिए पूरी डीप ब्रीदिंग करनी है ताकि लंग्स में बहुत सारी ऑक्सीजन भर जाए और सांस छोड़ते हुए यहां मैंने श्वास ली ही नहीं है, छोड़ देने के बाद इस पोज को मैंने ऐसे ही बनाया है श्वास भरते हुए। अगर आपसे ये पोज ऐसे नहीं बनता है तो इस पोज के बाद आप ये पोज बना लें, ये तो करने में भी सुगम है, कोई भी कर सकता है, और अगर ये बनता है तो आप ये बनाएं और उसके बाद भुजंगासन सांस भरते हुए फिर से पूरी सांस भर रहे हैं। आप देख रहे हैं शरीर का हर हिस्सा खींच रहा है और दब रहा है, सांस छोड़ते हुए एड़ी जमीन पर, पंजे हाथ के भी जमीन पर और सिर मेरा धरती पर लगा हुआ है। अगर नहीं लगता है तो आप इसी तरह बना ले, कोई जरूरत नहीं है, और फिर से सांस भरते हुए पैरों को आगे लाए, जिस पांव को मैं ले गई थी उसी पांव को अब मैं आगे ले आई हूं और दूसरे पांव को अब लेके आ रही हूं, सांस पूरी बाहर, सांस भरते हुए फिर से पीछे पूरी सांस भरी और ब्रीद आउट। यहां चूंकि मैं बोल रही हूं तो मैं श्वास का उतना कर नहीं पाऊंगी, बिना बोले जब आप करेंगे तो आप श्वास
अपने आप लेंगे और छोड़ेंगे। देखिए ये मैं अगला पोस्ट बिना बोले कर रही हूं। जैसा कि मैंने बोला कि सूर्य नमस्कार का 10 मिनट का केवल अभ्यास आपको इतनी एनर्जी देगा, शरीर के अंदर गर्मी आएगी, आपके वेट को कंट्रोल करेगा, बढ़ा हुआ है तो कम कर देगा, लंग्स को मजबूती देगा, बैक मसल्स को स्ट्रांग बनाएगा, हार्ट आपका मजबूत होगा, सिर की तरफ रक्त जाता है कई पोजों में तो ब्रेन भी आपका स्ट्रांग बनेगा और आपकी मानसिक शक्ति भी बढ़ेगी। और अगर बच्चे करते हैं तो उनका ब्रेन शार्प होगा, लंबाई बढ़ेगी और सभी लोग स्वास्थ्य तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे। तो आप सोचिए एक अकेला सूर्य नमस्कार कितना अधिक बेनिफिट्स दे रहा है। तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास तो कोई भी कर सकता है। देखा आपने करने में कितना सुगम है। तो मेरा अगर आज का ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, शेयर खूब कीजिए ताकि लोग इसको करने के लिए आकर्षित हों। और दूसरा सूर्य नमस्कार के साथ गहरे श्वसन का ही अभ्यास करना है क्योंकि गहरे श्वसन से ऑक्सीजन आपके शरीर में बढ़ेगी। तो लाइक शेयर के बाद कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।